हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी सीरीज के थर्ड चैप्टर का लास्ट पार्ट देखते हैं, फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया में। पिछली वीडियो में हमने देखा था सुंदरबन डेल्टा के बारे में। इसमें एक दो चीज़ रह गई थी जो ये सुंदर। सबसे पहले हम ये देखते हैं डेल्टा क्या होता है। जब एक रिवर अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेके चलती है, सेडिमेंट्स का मतलब होता है मिनरल्स, या फिर जब चट्टानों के अंदर से पानी निकलता तो अपने साथ बहुत सारा जो पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, वो लेके गुजरती है। जब वो इतना सब कुछ लेके जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो एक जगह पे जाके बहुत कम हो जाती है। जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी या स्पीड कम होती है, वो सेडिमेंट्स जो होता है डिपोजिशन हो जाता है, पानी के साथ बहना कम हो जाता है और एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, वही होता है डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, और इसका ये वाला पार्ट जो है इंडिया में आता है, जो कि रामसर साइट में काउंट किया गया, 27 बना है। ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। इसके अंदर क्या है कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में गिरती है तो गंगा क्या हो जाती है, पद्मा कहलाती है। और ऐसे ही जब ब्रह्मपुत्र है वो जब बांग्लादेश में गिरती है तो वो क्या हो जाती है, जमुना हो जाती है। और ये पद्मा और जमुना मिलकर एक नदी का निर्माण करते हैं, वो है मेघना। ये मेघना नदी कहाँ की है, बांग्लादेश के। जमुना और पद्मा ये दोनों नाम है ब्रह्मपुत्र और गंगा के, जो बांग्लादेश में आके बदल जाते हैं, या इन्हीं नाम से भी बुलाया जाता है। ये अगर ये पूछा जाए कि कौन सी नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है, तो वैसे तो सीधा सीधा देखा जाए तो मेघना नदी है जो इस डेल्टा का निर्माण कर रही है। लेकिन अगर कोई घुमा के पूछना चाहे तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र भी हो सकती है, पद्मा प्लस जमुना भी हो सकती है, या फिर मेघना नदी भी हो सकती है जो इस डेल्टा का निर्माण करती है। हाल ही में इसके साथ एक इशू एसोसिएटेड है कि इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है बांग्लादेश के साथ। उस एग्रीमेंट का नाम है आशुगंज अखोड़ा रोड, आशुगंज अखोड़ा रोड। ये एक 4 लेन हाईवे है, और ये दोनों ही जगह कहाँ है, ये दोनों ही जगह है बांग्लादेश में। इसके अंदर क्या किया गया है कि जहाँ पर यहाँ गंगा हो गई, यहाँ ब्रह्मपुत्र, ये पद्मा, और यहाँ हो जाती है जमुना, ये दोनों मिलके बनाया मेघना। ये मेघना नदी के तट पर बनाया गया है। ये किसके लिए बनाया गया है, इंडिया ने बनवाया है एक रोड जो किसको कनेक्ट करेगा, त्रिपुरा के अगरतला से, त्रिपुरा के अगरतला से इसे कनेक्ट कर देगा। त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, वहाँ तक एक रोड बनाया जाएगा। और ये रेलवे है, और ये फर्स्ट ट्रेन चल रही है ईस्टर्न साइड से, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से फर्स्ट ट्रेन है जो वो कनेक्ट कर देगी, रोड जो बांग्लादेश को कनेक्ट कर देगी इंडिया से। और बांग्लादेश के कौन से स्टेशन से चलेगी, वो है गंगापुर, गंगा सागर, सॉरी, बांग्लादेश के गंगा सागर, और इंडिया के अगरतला के निश्चिंतापुर, निश्चिंतापुर, ये अगरतला का स्टेशन है। ये दो स्टेशन आपस में मिलेंगे। एक 4 लेन जो है रोड बनाया गया है, और ये 2021 तक तैयार हो जाएगा, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये पहली ही ट्रेन है, और 50 से 58 किलोमीटर लॉन्ग जो रास्ता बनाया गया है ये इंडिया ही बनवा रहा है, ताकि ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना इजी हो सके। उसके बाद देखते हैं इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका में क्या है कि श्रीलंका को एक नाम और से भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है आइलैंड ऑफ जेम्स, जम्स यानी रत्नों का द्वीप। इसका ओल्ड नेम अगर हम देखें वो है सियोन, इसका ओल्ड नेम है। भारत और श्रीलंका के बीच में दो चीज़ पड़ती है, एक तो मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार, और पालक स्ट्रेट। पालक स्ट्रेट और बे ऑफ मन्नार, ये किसको अलग करती है, इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है, ये दो पड़ती है। उसके बाद में यहाँ जो दो पॉइंट है ये है जाफना, जाफना में लिट्टे, लिट्टे की फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर,
ये एक आतंकवादी ग्रुप था जिसको 2009 में यहाँ की सरकार ने बंद करवा दिया था, इसको ख़त्म करवाया और इसमें साथ दिया था इंडिया ने। जैसे ही इंडिया ने इसका साथ दिया तो यहाँ का जो समूह है आतंकवादी, उसने बदले में राजीव गांधी की हत्या कर दी थी इंडिया का साथ देने पर। उसके बाद इसमें देखते हैं कि इनके साथ क्या इशू है। ये जो लाइन है 200 नॉटिकल माइल में है, ये जो एरिया है ये सारा, इसे बोलते हैं ईईजेड, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वन नॉटिकल माइन किसके इक्वल होता है? वन नॉटिकल माइन होता है 1.85 किलोमीटर। 200 नॉटिकल माइन हो जाएगा 200 × 1.85 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि इतने एरिया तक भारत का समुद्र के यहाँ के जो इलाके हैं वहाँ पे हक हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पेट्रोलियम, कोई भी नेचुरल गैस या कुछ भी मिनरल्स वगैरह मिलते हैं तो इस पे इंडिया का हक होगा। श्रीलंका का ये कहना है कि इंडिया जो अपने 200 नॉटिकल माइन से आगे बढ़कर यहाँ काम करता है, जिसकी वजह से एक साल में लगभग 6.5 करोड़ मछलियों का जो उत्पादन है या जो मछलियों की प्रोडक्शन है उसे ले जाता है। तो श्रीलंका का ये कहना, और ये एक डिस्प्यूट बना हुआ है इनके बीच में। दूसरा, इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर अगर हम, ये गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ये पाल्क स्ट्रेट हो गया, इन दोनों के बीच में, यहाँ हो गया जाफना, ये है एक पॉइंट रामेश्वरम। जैसे यहाँ एक पॉइंट रामेश्वरम है, उधर इसी तरीके से यहाँ पर भी एक पॉइंट है जिसका नाम है पुंबन, पुंबन। और रामेश्वरम और पुंबन के बीच में ही है रामेश्वरम, रामेश्वरम और पुंबन, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है जिसे राम सेतु कहते हैं या फिर एडम स्मिथ ब्रिज भी कहते हैं। ये इसकी जो लेंथ है वो है 48 किलोमीटर। तो ये रामेश्वर है इंडिया की साइड से, और राम सेतु किस, और ये पुंबन है श्रीलंका की तरफ से। ऐसे दो पॉइंट और पड़ते हैं यहाँ, धनुषकोणी पड़ता है, और इस धनुषकोणी पड़ता है और इस साइड क्या पड़ता है, तल्लाई मन्नार जो श्रीलंका का है। ये दो पॉइंट्स हैं इनके। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, ये रामेश्वरम हो गया और यहाँ पर ये श्रीलंका, ये जाफना हो गया, ये राम सेतु ब्रिज है जिसमें दिखाया गया। उसके बाद में इंडिया और मालदीव्स का देखते हैं क्या है। मालदीव लोकेटेड कहाँ है? अरेबियन सी के अंदर लोकेटेड है मालदीव। ये रहा मालदीव, मालदीव से ऊपर है ये लक्षद्वीप, और ये हमारा इंडिया का पार्ट है सारा। इसके अंदर क्या होता है कि मालदीव जो है वो किससे बना हुआ है, ये कोरल रीफ से बना हुआ है, कोरल रीफ से बना हुआ है मालदीव। कोरल रीफ क्या होती है, प्रवाल बोलते हैं इसको हिंदी में। जो कोरल है ये क्या होता है, एक एक्वेटिक एनिमल्स होता है, क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सी है तो एक्वेटिक, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो अपनी लाइफ कैसे जीता है, बाय सिम्बायोटिक प्रोसेस। सिम्बायोटिक प्रोसेस वो होती है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर किसी ना किसी चीज के लिए डिपेंडेंट हो, फिर चाहे वो फूड हो या शेल्टर हो, किसी ना किसी चीज के लिए जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक प्रोसेस। इसका मतलब कोरल किसी ना किसी पे डिपेंड है, अगर ये सिम्बायोटिक प्रोसेस में आता है तो। ये डिपेंड है जुजैंथली, जुजैंथली पे डिपेंड है। जुजैंथली क्या है, एक एल्गी है। अगर ये जुजैंथली पे डिपेंडेंट है इसका मतलब ये इसे कुछ, जुजैंथली इसे कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता होगा। जो जुजैंथली इसे दो चीज़ प्रोवाइड करता है, एक तो 60% इसे फूड देता है और प्लस इसे एक कलर भी देता है। अगर इसे कलर देता है, यानी इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, इसका होता है वाइट कलर। जुजैंथली इसे कलर देता है, ये कोरल विद कलर और ये विदाउट कलर, यानी जुजैंथली के बिना कोरल का ये होता है। अब इसके अंदर क्या दिक्कत आई है, ये जो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सी का और ओशन का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा होता है,
जैसे ही सी या ओशियन का जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है जुजैंथली को, जुजैंथली मरने लग जाते हैं। अब जैसे जुजैंथली गया तो उसके बाद क्या हुआ, कोरल का क्या हुआ, कोरल का सबसे पहले तो कलर वाइट हो जाएगा क्योंकि इसका कलर सोर्स ही गया, उसके बाद में इसको कुछ टाइम के बाद खाना ही नहीं मिलेगा, तो इसका जो 60% फूड था वो भी गया, और जुजैंथली तो चला ही गया थोड़े टाइम के बाद में, ये भी साथ छोड़ देगा और कोरल भी चला जाएगा। और जैसे ही कोरल चला जाएगा तो यहाँ पर कोरल रीफ बन जाएगी जो किसी काम की नहीं रहेगी, और ये जो मालदीव की सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है। और कोरल का जब वाइट होना ही क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग होता है, कोरल ब्लीचिंग, कोरल का वाइट होना कोरल ब्लीचिंग होता है। अब ये कोरल इम्पोर्टेंट क्यों है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कोरल की, अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात देखें तो 60% जो कैंसर की जो मेडिसन है 60% इन्हीं के यूज़ से बनाई जाती है, कोरल से। यहाँ कोरल की बात है, कोरल रीफ की नहीं है, कोरल रीफ ये बन जाते हैं। कोरल रीफ कैसे बनते हैं, जुजैंथली और कोरल का जो स्केलेटन होता है यानी इनके बच्चे कुछ जो अवशेष होते हैं, जो भी इनके बच जाता है मटेरियल, उसी से ही बनता है कोरल रीफ। इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो कोरल 60% कैंसर की जो दवाई बनाने में काम आता है, उसके बाद ये टूरिज्म के लिए अच्छा होता है, और जापान की तो जो इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है इसका, तो ये देखा जाता है इसके यूज़ में। उसके बाद में जब हमने ये देखा था, यहाँ पे जो लक्षद्वीप है और ये मालदीव है, लक्षद्वीप और मालदीव यानी इंडिया और मालदीव, ये जो अलग है एक दूसरे से, वो एक 8 डिग्री चैनल से अलग है। 8 डिग्री चैनल का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि लक्षद्वीप भी ये देखें तो ये ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पर एक छोटा सा और आइलैंड मिलेगा, ये लक्षद्वीप खुद यहाँ के आइलैंड से, ये मिनी कोए है, ये मिनी कोए से कितना ये है, 8 डिग्री, 9 डिग्री चैनल से अलग है, 9 डिग्री चैनल से। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि ये 9 डिग्री, ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये डिग्री, ये चैनल, ये क्या होते हैं, ये जो लैटिट्यूड्स की लाइन है ना, अगर यहाँ 8 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पर ये वाली लाइन डली हुई है, अगर ये ऐसे ऐसे लैटिट्यूड्स शो करती है यानी चैनल लैटिट्यूड्स को शो कर रहे हैं, जो ये लाइन होती है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और चैनल क्या होता है, जिस तरीके से अगर हम स्ट्रेट की बात करें, स्ट्रेट देखें, जैसे कि हमने पालक स्ट्रेट पढ़ी थी अभी, आज ही देखी हमने पालक स्ट्रेट, यहाँ एक लैंड एरिया है, यहाँ एक लैंड अलग एरिया है, ऊपर कोई वाटर एरिया अलग है, नीचे कोई वाटर एरिया क्या है, अलग है। ये यहाँ का जो एरिया होता है ये वाला, इसे बोलते हैं स्ट्रेट। अगर ये हम बहुत बड़े पैमाने पे देखें तो वो हो जाता है चैनल, यानी अरेबियन सी में भी हमने देखा तो ऊपर लक्षद्वीप, नीचे मालदीव, इधर सी भी था, इधर भी सी वाला पोर्शन, तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन हो जाता है वो चैनल हो जाता है, तो ये चैनल से अलग होती है। तो आज हमने देखा इनके, हमने सभी फ्रंटियर्स देख लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ देखते हैं। थैंक यू।